हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुपेश टेक। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो टर्बो हायरिंग के ऊपर। इस हायरिंग के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में समझेंगे। बाकी अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। विप्रो की तरफ से ये जो टर्बो हायरिंग है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर रोल के लिए है। इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बीई वाले हैं, बीटेक वाले हैं, एमई वाले हैं, एमटेक वाले हैं और एनएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। बैचेस जो एलिजिबल है वो 2023 वाले हैं सिर्फ। जॉब लोकेशन जो होने वाला है वो एनीवेयर इंडिया होगा, यानी पान इंडिया। एक्सपीरियंस में इन्होंने फ्रेशर्स मांग रखा है। आपकी जो सैलरी और सीटीसी होगी वो सिलेक्शन के बाद वो 6.5 एलपीए की होगी। लास्ट डेट टू अप्लाई कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो आप अप्लाई एज सून एज पॉसिबल कीजिए, अप्लाई एज सून एज पॉसिबल कीजिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा। फिर बात करते हैं हम इसके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। जॉब डिस्क्रिप्शन में इन्होंने कुछ स्किल सेट मेंशन किया है। स्किल सेट में पहला क्या है, गुड इन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग स्किल्स यूजिंग लैंग्वेज लाइक जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन एसेट्रा। सेकेंड पॉइंट क्या है, पैशनेट एंड नॉलेजेबल अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। थर्ड पॉइंट क्या है, able to think differently and having an inclination on design thinking. Fourth क्या है, ability to analyze quantity data and process information and solve problems. सबसे जो last point mention किया है वो क्या है, ability to work in a team structure. Ability to work in a team structure. Good team player with interpersonal skills and positive attitude. तो ये है इसके skill set. फिर इन्होंने क्या मेंशन किया है, ऑनलाइन असेसमेंट टू बी कम्युनिकेटेड लेटर आफ्टर एलिजिबिलिटी चेक। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो हमारा पहला पॉइंट है वह क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन में क्या है, 10th के स्टैंडर्ड में जो है 60% और एबव होना चाहिए, 12th में क्या है 60% और एबव होना चाहिए, ग्रेजुएशन यानी बीटेक में जो है आपका 60% होना चाहिए या तो 6 जीपीए होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या है, ओपन स्कूल और डिस्टेंस एजुकेशन इज अलाउड फॉर 10th एंड 12th ओनली। यानी जो ओपन स्कूल है और डिस्टेंस एजुकेशन है वह सिर्फ 10th और 12th वालों के लिए ही अलाउड है, आपका बीटेक जो है डिस्टेंस एजुकेशन का नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम इसके अदर क्राइटेरिया के बारे में। अदर क्राइटेरिया में जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है, वन बैकलॉग इज अलाउड एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट के वक्त जो है आपका वन बैकलॉग जो है कंसिडर किया जाएगा, वन बैकलॉग, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू क्लियर द बैकलॉग अलॉन्ग विथ 8th सेमेस्टर। ये जो बैकलॉग है आपका ये क्लियर होना चाहिए 8th सेमेस्टर के वक्त, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, मैक्सिमम 3 ईयर ऑफ गैप इन एजुकेशन अलाउड। गैप इन एजुकेशन जो है आपका वो 3 साल का मान्य होगा, 3 ईयर्स। 3 ईयर्स कब का, 10th और 12th के बीच में ही मान्य होगा, 10th और 12th के बीच में आपका 3 साल का गैप होगा, ये माने इसके बाद वैलिड नहीं है। फिर क्या है, नो गैप आर अलाउड इन द ग्रेजुएशन पीरियड, ग्रेजुएशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 4 ईयर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ग्रेजुएशन। इसमें क्या बोला है इन्होंने, बीटेक जो है, बीटेक आपका विद इन 4 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, 4 ईयर, इसके बीच में अगर गैप है ना तो ये अलाउड नहीं है, ये गैप यहाँ पे अलाउड नहीं है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ग्रेजुएशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ग्रेजुएशन इफ इट्स इंडिकेटेड कोर्स। यदि आपका ग्रेजुएशन जो है 5 साल में कंप्लीटेड होता है तो ये जो है ना सिर्फ इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए अलाउड है। नेक्स्ट क्या है, शुड बी फ्रॉम अ फुल टाइम डिग्री कोर्स रिकॉग्नाइज बाय सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपका जो बीटेक का डिग्री होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मान्य होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड फॉर द टेस्ट प्रोसेस हु हैव कंप्लीटेड 3 मंथ पूल ऑफ पीरियड फ्रॉम द प्रीवियस असेसमेंट। इसका मतलब क्या है कि विप्रो के किसी भी असेसमेंट में यदि आप 3 मंथ्स के अंदर अपीयर हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, 3 मंथ के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, शुड बी एन इंडियन सिटीजन और शुड बी अ पीआईओ ओसीआई कार्ड इन द इवेंट ऑफ होल्डिंग पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री। इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, भूटान और नेपाल वालों के लिए जो है आपको सिटीजन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ईयर ऑफ पासिंग में इन्होंने क्या लिखा है, 2023 वाले ही अलाउड हैं, ये तो मैंने पहले ही बता रखा है कि ईयर ऑफ पास आउट जो है 2023 वाले ही अलाउड है। फिर बात करते हैं हम इसके क्वालिफिकेशन के ऊपर। क्वालिफिकेशन में क्या मेंशन किया है, बी बीटेक कंपलसरी डिग्री होना चाहिए, एमई एमटेक होने चाहिए, एमएससी वालों के लिए क्या है कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, ये है इसका बेसिक क्वालिफिकेशन। ब्रांच ऑफ स्टडी में क्या है, ऑल ब्रांचेज आर अलाउड।
कुछ ब्रांचेस अलाउड नहीं है, जिसमें क्या है, एग्रीकल्चर वाले है, फूड इंजीनियरिंग वाले है, एक्वा है, कल्चरल इंजीनियरिंग वाले हैं, तो इन बैचेस जो है अलाउड नहीं है, इनको आप पढ़ लीजिए। अगर आपका इसमें से कोई बैच नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजिनेशन में इन्होंने प्रोजेक्ट इंजीनियर मांग रखा है। कंपनसेशन का बात करते हैं, तो कंपनसेशन में जो है आपका 5.5 लाख पर एनम होगा, यानी जो आपका सैलरी और सीटीसी होने वाला है वो 5.5 LPA का होगा, प्लस 1 लाख रिटेंशन बोनस मिलेगा पेड आफ्टर 1 ईयर कंप्लीशन एंड मर्ज टू सीटीसी आफ्टर 1 ईयर। 1 लाख जो है आपका बोनस मिलेगा, 1 लाख जो ये बोनस है वो 1 साल कंप्लीट करने के बाद मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका पैकेज हो जाएगा वो 6.5 LPA का हो जाएगा, ठीक है। सर्विस एग्रीमेंट में इन्होंने क्या मेंशन किया है, एप्लीकेबल फॉर 12th मंथ पोस्ट ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के बाद जो है आपका सर्विस ऑफ एग्रीमेंट जो हो जाएगा वो 12th मंथ का होगा। अगर 12th मंथ से पहले आप एग्रीमेंट तोड़ते हैं तो आपको 75,000 जो है आपको पे करना होगा विप्रो को, पे टू विप्रो, अगर 12 मंथ से पहले सर्विस ऑफ एग्रीमेंट को ब्रेक करते हैं तो। तो ये था इसका क्वालिफिकेशन, डिजिनेशन, कॉम्पनसेशन और सर्विस एग्रीमेंट के बारे में। नेक्स्ट जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, आपका फर्स्ट राउंड जो होगा ऑनलाइन असेसमेंट होगा। ऑनलाइन असेसमेंट में क्या होगा, ये 128 मिनट का होगा, जिसमें तीन सेक्शन होगा। तीन सेक्शन में जो पहला सेक्शन होगा वह एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये 48 मिनट का होगा। सेकेंड जो है राइटिंग एबिलिटी होगा, ये 20 मिनट का होगा। थर्ड क्या है, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट होगा जो कि 60 मिनट का होगा। प्रोग्रामिंग जो होने वाला है वो जावा से होगा, सी से होगा, सी प्लस प्लस से होगा और पाइथन से। आप किसी भी एक लैंग्वेज से प्रोग्राम कर सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होगा, वर्बल एबिलिटी होगा, लॉजिकल एबिलिटी होगा, क्वांटिटी एबिलिटी होगा, ठीक है। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट में जो है आपको दो प्रोग्राम होगा, यानी दो कोड करना होगा, टू कोड करना होगा। सेकेंड राउंड जो होने वाला है आपका बिजनेस डिस्कशन राउंड का होगा, जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि इट्स अ विप्रो डिस्क्रिप्शन टू परमिट लिमिट द पार्टिसिपेशन ऑफ ईच कैंडिडेट इन टर्वो ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस आफ्टर क्लियरिंग द ऑनलाइन असेसमेंट कैंडिडेट विल हैव टू गो थ्रू बिजनेस राउंड, बिजनेस डिस्कशन राउंड। सेकेंड राउंड जो होगा वो आपका बिजनेस डिस्कशन राउंड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके हायरिंग वर्क फ्लो के ऊपर। तो ये था विप्रो का टर्बो हायरिंग प्रोसेस। बाकी अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करने में कोई इशू हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।